अभी आप देख रहे हैं अमित शाह जी का भी डीप फेक बन गया। ये क्या करती है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उनके बड़े सारे पुराने पुराने वीडियोस को लेके, वर्ड्स को लेके मैनिपुलेट करके आपको लगता है कि जैसे हाँ इन एक्टर्स ने यही किया, और जो आप कहलवाना चाहते हो किसी से, अगर आप घर पे बैठ के गैम्बल कर रहे हो तो आपका घर भी पब्लिक प्लेस माना जाएगा। तो एक इसमें ऐसा प्रोविजन है, बट आई थिंक इट इज लोग सीरियसली इस लॉ को लेते नहीं, क्योंकि बेलेबल ऑफेंस है, आपको बेल मिल जाएगी। तो आपने देखा होगा कई घर में आपके सिम कार्ड पकड़े जाते हैं, इतने सारे लोग बैठे होते हैं, इस एक्ट के अंदर उनको अरेस्ट करते हैं बेसिकली, बिकॉज यू आर प्राइवेट हाउस इज आल्सो देन कंसीडर्ड टू बी अ पब्लिक प्लेस बिकॉज यू आर डूइंग अ गैम्बलिंग फ्रॉम देयर। एक स्नेक पॉइजन लेके उसको मिक्स करते हैं कोई सॉल्यूशन में, एंड देन यू हैव इट, इट मेक्स यू रियली हाई, एंड इट हैज अ, इट्स वेरी चीप आल्सो, एंड इट लास्ट आल्सो लॉन्ग, इट गिव्स यू हाई। नमस्ते, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ द राव्या सारडा पॉडकास्ट। आज हम बेटिंग एप्स के बारे में बात करेंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बात करेंगे, और सुप्रीम कोर्ट की इन बेटिंग एप्स को लेकर क्या राय है, लीगल मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्या है लोगों के दिमाग में, हम ये सब बहुत सारी चीज़ों के बारे में डिस्कशन करेंगे, लीगल केसेस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, अबाउट डीप फेक्स ऑल्सो जो आजकल बहुत ट्रेंडिंग है। एंड ये कॉन्वर्जेशन को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं सीनियर एडवोकेट ऑफ सुप्रीम कोर्ट मिस्टर दिनेश जोटवानी जी। ही इज yes, so he has in-depth knowledge of 30 years and having worked extensively in litigation, civil, criminal, corporate and IPR across various domains. So please welcome Dinesh Jotwani ji. Namaste sir. Thank you Ravya for having me here. Ji sir, kaise hain aap? Bilkul theek thaak. So Delhi is scorching hot right now. Yes, and I believe you have just come from Mumbai. जी, so, जी. कैसा लग रहा है? मैंने सुना है इस बार मुंबई का वेदर भी बहुत गर्म था. जी. Sir, so we are going to talk about the betting apps और AI, artificial intelligence की जो राय है सुप्रीम कोर्ट को लेकर, और जो किस तरह लोग इसे मिसयूज करते हैं, and what can people do and whom can people reach out to an appropriate person जहाँ पर legal matters की बात आती है। तो सबसे पहले ये बताइए कि जो हमने आजकल हम बड़ा सुन रहे हैं अबाउट द महादेव बेटिंग ऐप, इसके बारे में बताइए कि महादेव बेटिंग ऐप क्या है। देखिए, वैसे ये जो ऐप है बनी तो बाहर है इंडिया के, पर वो खेली यहाँ पे जाती थी। ओके। और बहुत एडिक्टिव ऐप है, गांव-गांव में लोग खेलना शुरू कर दिए थे। हाँ। और हालांकि इसके जो ओनर्स हैं और जो प्रॉफिट लेने वाले हैं ज़्यादातर इंडिया के बाहर दुबई में बैठे हुए थे। जी। और अराउंड 36,000 crore rupees का उसमें ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस हुआ था, जिसमें अराउंड 6-7 हज़ार करोड़ गए थे, ओनर्स के पास भी गए थे। तो काफ़ी टाइम से चल रहा था ये ऐप का। देर आर पॉलिटिकल रेमिफिकेशंस आल्सो फॉर दिस ऐप, बट अब ये लोग अरेस्ट हो गए, काफ़ी सारे अरेस्ट हो गए, ऐप भी बंद हो गई है। बट आई डाउट कि ये क्या करते हैं, ये ऐप अभी महादेव नाम से चल रही है, फिर किसी और नाम से चलेगी। तो बट ये सिलसिला चालू ये सिलसिला चालू रहता है। बट फ्रॉम लीगल पर्सपेक्टिव इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी ने रेड किया। प्रॉब्लम क्या हुआ था कि ये महादेव ऐप वालों ने थोड़ा सा ज्यादा लाइमलाइट में आ गए थे, बॉलीवुड एक्टर्स को बुलाना शुरू कर दिया था, बड़े बड़े स्टार्स को हायर करना शुरू कर दिया, कुछ लोग फंस भी गए, आपको पता ही होगा अभी रिसेंटली अरेस्ट भी हुए थे। द फेमस स्टार आई थिंक साहिल खान, जो एक इन्फ्लुएंसर भी है, शायद पुलिस ने उनको पकड़ा व्हेन ही वाज रनिंग। हाँ, तो हाँ, ये एक और अलग इशू है जी। कि एक कोई एक्टर या मॉडल इन एप्स के लिए मॉडलिंग करता है, क्या वो भी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंदर आता है जी। तो ये एक और इशू है, उन पे भी पुलिस अरेस्ट कर सकती है, नहीं कर सकती है, क्या उनको पता था उस वक्त कि ये मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है इसमें। बट ये है कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, कई लोग कहते हैं बायस भी है, लेकिन वो लोगों को अरेस्ट कर रही है जो मॉडलिंग कर रहे हैं इन ऐप्स के लिए।
उनमें से कुछ फेमस नाम भी हैं, बट मेरे ख्याल से जो प्रोडक्ट ओनर है उसने अगर गलत काम किया है तो मॉडल को भी आप डाल दें जब तक उसको पता ना हो कि ये इलीगल काम कर रहे हैं। बट सर, क्या ये सही है कि जो मॉडलिंग कर रहे हैं या जो एक्टर्स हैं उनको भी पकड़ा जाए? मतलब आई वॉन्ट टू नो वॉट इज द लीगल प्रोसेस और उन्होंने क्या करना चाहिए इसमें? देखिए, जो ईडी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, जो PMLA जिसे कहते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग जी, अगर मनी लॉन्ड्रिंग मतलब कि आपका जो पैसा जो आपको इलीगली आ रहा है आप उसको लीगल कर रहे हैं, Correct. जो ब्लैक में आ रहा है उसको वाइट कर रहे हैं। Correct. तो वो कह रहे हैं कि अगर एक्टर जानता था कि ये इलीगल मनी है एंड ही इज गेटिंग मनी फॉर दैट, उनको हालांकि कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, वाइट में पैसा मिला है, सब कुछ बैंकिंग चैनल से पैसा मिला है, लेकिन अगर उसको पता था वो इलीगल है तो ही इज पार्ट ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। सो मे बी ईडी इज राइट, ये तो खैर मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, ट्रायल है, लंबा चलेगा, बेल भी आजकल मिलनी मुश्किल हो गई है, अभी इलेक्शंस का माहौल चल रहा है, कोर्ट्स आर वेरी स्ट्रिक्ट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इंक्लूडिंग सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, तो अभी ये कहना मुश्किल होगा कि उनकी गलती थी कि नहीं थी। बट द फैक्ट इज कि अगर मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है तो ईडी आ जाएंगी, और वो इवन जो मॉडल्स हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं, इन ऐप्स के लिए काम कर रहे हैं, वो भी उन पे भी एक्शन हो सकता है। सर, एक और बात जो मैंने शुरू में ऑडियंस को बताई थी, दैट वी विल टॉक अबाउट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सो हाल ही में रश्मिका मंदाना और जो फेमस एक्ट्रेसेस हैं जैसे आलिया भट्ट के साथ भी और रणवीर सिंह के साथ भी ये किस्सा हुआ एक डीप फेक वाला। तो AI कैसे मैनिपुलेट करता है, लोग कैसे मैनिपुलेट करते हैं AI को लेकर इन वीडियोस के साथ, और क्या सुप्रीम कोर्ट इस पर कुछ कर रही है, कोई एक्शन ले रही है कि वापस ऐसे इंसिडेंट्स अकर नहीं हो? देखिए, जो डीप फेक का इशू है वो टेक्नोलॉजिकल इशू है, द वे टेक्नोलॉजी वर्क्स, वो आपकी पुराने वीडियोस को अपने आप मैनिपुलेट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करती है, और जो आप कहलवाना चाहते हो किसी से, अभी आप देख रहे हैं अमित शाह जी का भी डीप फेक बन गया, तो ये क्या करती है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उनके बड़े सारे पुराने वीडियोस को लेके, वर्ड्स को लेके मैनिपुलेट करके आपको लगता है कि जैसे हाँ इन एक्टर्स ने यही किया, या उनके फोटोग्राफ्स ऐसे होते हैं, कॉम्प्रोमाइज फोटोग्राफ्स होते हैं कईयों के आ जाते हैं, तो वो दैट इज अ टेक्नोलॉजी, डीप फेक टेक्नोलॉजी लोग मिसयूज कर रहे हैं। बट एट द सेम टाइम हमें ये देखना है कि लीगल लॉ हैज टू कैच अप विद टेक्नोलॉजी। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मैं कहूँगा लॉ, जो डीप फेक का जो लॉ है, लॉ इज देयर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में है, प्रोविजंस हैं, इंडियन पेनल कोड में प्रोविजंस हैं, जब आप पर आपको पता कैसे लगेगा, हाउ विल यू ट्रेस किए किसने डीप फेक बनाया है? जी. तो जब तक वो आपको गवर्नमेंट को नहीं पता लगेगा, प्रोसिक्यूटिंग एजेंसीज को नहीं पता लगेगा, ये प्रॉब्लम रहेगी। जहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट का सवाल है, सुप्रीम कोर्ट, देखिए जब मैटर सुप्रीम कोर्ट में आएगा तभी कुछ प्रोविजंस बनेंगे। अनफॉर्चुनेटली इंडियन ज्यूरिस्प्रूडेंस ज़्यादा नहीं है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के डीप फेक के मामले में, ज़्यादा उन्होंने ओपिनियंस दिए हैं। ऑफकोर्स सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बार कहा है ये जो सेक्शन है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट का अपहोल्ड किया है, और लोगों को पनिशमेंट भी दिया है, इसमें डैमेजेस भी दिया है, बट एट द सेम टाइम अभी कोई ओवर रीचिंग डीप फेक में जजमेंट नहीं आई है। बट आई थिंक गवर्नमेंट इज डूइंग इट्स ओन रोल, वो प्रोविजन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के मॉडिफाई कर रहे हैं, स्पेशली जो प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे मेटा, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इन प्लेटफॉर्म्स को हेल्प करनी पड़ेगी। एक डीप फेक आया है, ये कहाँ से ओरिजिनेट हुआ, ये कैसे पता लगेगा? व्हाट्सएप को इंफॉर्मेशन हो सकता है, हो फेसबुक को हो सकता है इंफॉर्मेशन हो, क्योंकि ओरिजिनेट कहाँ से हुआ? तो ये सारा देखने के लिए गवर्नमेंट को ये बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनीज का हेल्प लेना पड़ेगा, और ओरिजिनेटर को पकड़ने के लिए लेना पड़ेगा। जहाँ तक सुप्रीम कोर्ट का सवाल है या लेजिस्लेटिव इंटेंट का सवाल है, वो तो है,
पनिशमेंट इसमें स्ट्रिक्ट की जा सकती है। और मेरे ख्याल से ओवर द टाइम डीप फेक्स में काफ़ी केसेस आएंगे, और जैसे जैसे केसेस बढ़ेंगे डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस बढ़ेंगी। ऑलरेडी मुंबई हाई कोर्ट ने कुछ रूलिंग्स दी हैं, दिल्ली हाई कोर्ट ने डीप फेक्स पे दी हैं, बट एट द सेम टाइम आई थिंक क्या रूलिंग्स दी हैं और क्या सज़ा हो सकती है। हाँ, इसमें काफ़ी है, 7 साल तक सज़ा हो सकती है। इट्स अ नॉन बेलेबल ऑफेंस अगर आप डीप फेक बनाते हो, और ख़ासकर आप जो पोर्नोग्राफी की तरफ चले जाते हैं, जो कंटेंट चले जाते हैं उसमें तो बहुत ही सज़ा है जी। डीप फेक में फाइनेंशियल फ्रॉड्स जो हुए हैं आपने देखा ही होगा, एक अभी हांगकांग बेस्ड डायरेक्टर ने अपने सीएफओ को बोला कि आप इतनी मनी रिलीज कर दीजिए, और मिलियंस ऑफ डॉलर्स उसने रिलीज कर दिए, वो डीप फेक था देखा जाए तो लीगल प्रोविजंस हैं इंडियन पीनल कोड में फ्रॉड में चीटिंग में, जो ट्रेडिशनल सेक्शंस हैं इंडियन पीनल कोड के, बट नया इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट को देखना पड़ेगा। मे बी यू नो प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक मेटा, दे विल हैव टू बी मोर रिस्पॉन्सिबल। अल्टीमेटली ये कंटेंट फैल कैसे रहा है जी, है ना, सोशल मीडिया पर ही फैल, सोशल मीडिया पे, और ये सोशल मीडिया कंपनीज को पता होना चाहिए उनके प्लेटफॉर्म पे आ रहा है। तो गवर्नमेंट को रेगुलेट, आई डोंट से कि उनको पनिश करो या उनकी डेटा प्राइवेसी ब्रीच करो, बट एट द सेम टाइम हाउ डू यू रेगुलेट एन इलीगल कंटेंट, ये थोड़ा इशू गवर्नमेंट को देखना पड़ेगा। एंड फाइनली ऑफ कोर्स सुप्रीम कोर्ट में तो जब मैटर आएगा वो डिसाइड करेंगे। बट इज द गवर्नमेंट लुकिंग इनटू दिस मैटर? डेफिनेटली डेफिनेटली, इनफैक्ट लास्ट 3 महीने में देर आर 3 or 4 कमेटीज दैट द गवर्नमेंट हैज फॉर्म्ड ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मेटी जिसे जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, MeitY is responsible for artificial intelligence and they are doing their own work. They are, I mean, I appreciate their effort. In fact, मैं एक दो meetings में भी गया था MeitY की, but yes, there is both. There is a threat of artificial intelligence and there is an opportunity also. तो आप opportunity नहीं lose करना चाहते हैं। I was coming to this question कि Supreme Court artificial intelligence को ये कैसे देखता है, क्या वो एक opportunity के रूप में देखता है या वो एक threat के रूप में देखते हैं, कि कैसे समझते हैं इसे? So the current Chief Justice of India Chandrachur ji, he's very very clear, he is very very pro technology. I have seen him, in fact I follow him very regularly. इन्होंने अभी last month ही around April middle में एक conference मैंने attend की थी, उन्होंने address किया था, so that was Indo-Singapore legal conference. उन्होंने यही कहा था कि it is a threat but there is more opportunity, that we can have. In fact I am working for a client jo unhone Supreme Court ke tender mein apply bhi kiya hai. So Supreme Court itself want artificial intelligence service providers, in terms of their translation, that translation and transcriptions of judgments and witnesses, that they need to do it. So aisa nahi hai, Supreme Court looks it as an opportunity. At the same time agar misuse hua is technology ka to you know it's all bad for the society and the community. जी सर, सुप्रीम कोर्ट भी क्या AI यूज़ कर रहे हैं? हाल ही में सुना है कि सुप्रीम कोर्ट, जैसे आपने भी अभी बताया, लाइव प्रोसीडिंग्स के लिए ट्रांसक्राइब करने के लिए AI यूज़ कर रहे हैं, इज दैट ट्रू? हाँ हाँ बिल्कुल, अभी यूज़ मेरे ख्याल से अभी कर नहीं रहे, बट देयर एक टेंडर निकला हुआ है, एक जिसे कहते हैं एक ऑफर के लिए गवर्नमेंट ने निकाला हुआ है काफ़ी एजेंसीज को, वन ऑफ माय क्लाइंट हैज आल्सो अप्लाइड फॉर दैट टेंडर, बट हो जाएगा, आई मीन इसके अलावा कोई चारा नहीं। लाइक एन अपॉर्चुनिटी देन अ थ्रेट, करेक्ट। इफ यू सी टुडे रावय देखेंगे पूरे इंडिया में अराउंड 5 crore केसेस पेंडिंग है इंडियन कोर्ट्स में, वी आर बर्डन, हाउ डू यू टैकल दिस फ्रॉम जस्टिस परस्पेक्टिव? एक किसी को जस्टिस मिलता नहीं है, इतने 10-10 साल लग रहे हैं एक केस को, तो आपको अगर कोई नई टेक्नोलॉजी आती है जिसमें
विटनेस आता है कोई लैंग्वेज में बोलता है, आधा टाइम तो इसी में ही लग जाता है कि ये विटनेस को लैंग्वेज नहीं आती, फिर अपील में एक फाइल से दूसरी जगह कोर्ट में जाती है, विद टेक्नोलॉजी आप उसको अपलोड करो और ट्रांसलेट करो और देख लो, विद इन सेकेंड्स यू कैन डू ऑल दीज थिंग्स, जो अभी 6-6 महीने लग जाते हैं एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट फाइल गई फिर अपील में गई। देयर इज अ फेमस डायलॉग ना, तारीख पे तारीख, हाँ तो एक एक साल फाइल आने में लग जाते हैं, फिर उसको ट्रांसलेट करने में लग जाते हैं। सो इफ देयर इज एन अपॉर्चुनिटी ना, आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक, पर्सनली स्पीकिंग आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, if it comes in the legal system, it will help and it is going to come. There is a negative side, we'll talk about it later. Correct. बड़ी सारी जॉब जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं यूज कर रहे उनके लिए प्रॉब्लम हो सकता है, तो देर इज अ नेगेटिव साइड ऑल्सो, बट So, भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर ऐसे कौन से लॉज हैं जो हम आम आदमी को पता नहीं है और पता होना चाहिए? देखिए पर से अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रेगुलेशन या रेगुलेटरी अथॉरिटी अभी नहीं है, बट यू कैन रेगुलेट इट थ्रू डिफरेंट laws that are there. First, I told you about Information Technology Act. That's the foremost nodal law. मैं कहूँगा कि जो artificial intelligence को govern करेगा, but they need to have a special framework for it. Because AI is impacting lot of laws. आप देखिए intellectual property laws, जिसमें मेरी specialization है, patent, trademark, copyrights. आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज करके पूरी की पूरी किताब लिख सकते हैं, राइट? विद इन वन डे आप अपना पूरा किताब लिख सकते हैं। हु ओन्स द कॉपीराइट फॉर दैट, राइट? एआई से आप इवन ड्राइवरलेस कार्स यूज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कल को उसका एक्सीडेंट हो गया, सो देयर इज अ लॉ ऑफ टॉट्स दैट कम, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, the driver, the owner, or the artificial intelligence provider, or the car maker. So we don't know. A lot of these answers, India mein nahi pata, bahar ki countries mein bhi nahi pata. At this point of time, agar artificial intelligence koi mistake kar de. In fact, US mein abhi bahut bada case chal raha hai. I think all the big publishers, including Washington Post, New York Times, इनफैक्ट लॉट मैनी पब्लिशर्स, उन्होंने स्यू किया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो चैट जीपीटी और गूगल का जेमिनाई है, क्योंकि वो कंटेंट तो वहीं से ले रहे हैं, उसको मैनिपुलेट करके आप पब्लिश कर रहे हैं, तो आप कंटेंट वहां से ले रहे हो न्यूयॉर्क टाइम्स से एंड यू आर पब्लिशिंग इट, तो कॉपीराइट वायलेशन हुई कि नहीं हुई? जी जी जी, है ना? Who owns that copyright? So there are a lot of issues. Even मैं ये कहना चाहता हूँ Western world में भी अभी settle नहीं हुए, India will take time, Supreme Court will take time, of course. But sir, what is the solution to this? Like आपने जैसे बोला कि किसको responsible ठहरा है यहाँ पर, so ultimately what is the decision? हाँ तो आपने use किया chat GPT? Yes. हाँ आप करते हैं ना, कई बार answer गलत आता है उसमें, आप देखेंगे रट्टा रट्टा, मतलब अजीब सा answer आता है उसमें, जो वो बोलते हैं ना that me and you when we write it with some of our feelings or what is in our mind, but it is like रट्टा रट्टाया वैसा कुछ आता है, correct? अभी मैंने कुछ महीने पहले मैंने सोचा मैं अपने बारे में पूछता हूँ चैट जीपीटी में, है मेरी फर्म के बारे में, तो मैंने पूछा उससे कि व्हाट इज जोतवानी एसोसिएट्स, बड़ा अच्छा जवाब दिया उन्होंने, बहुत अच्छा। लेकिन एंड में ये लिख दिया दिस फर्म इज ओन्ड बाय अजय जोतवानी, है इट्स नॉट ओन, वो मेरे कजन है जो बाहर रहते हैं, इंजीनियर है। सो आंसर गलत था। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम अगर चैट जीपीटी कोई मेडिकल गलत रिस्पांस दे देती है मेडिकल इलनेस का, और कोई पेशेंट वो फॉलो कर लेता है, तो हु इज रिस्पांसिबल फॉर इट? करेक्ट, पेशेंट हिमसेल्फ, उसके रिलेटिव्स, या चैट जीपीटी, हु इज रिस्पांसिबल फॉर इट? सो ये सारा लॉ अभी इवॉल्विंग है, और इंडिया में खासकर अभी टाइम लगेगा,
इवॉल्व होने में, बट इट डजंट मीन कि हम टेक्नोलॉजी को शट कर दें जी। और अभी ऐसे लॉ कुछ आया नहीं है एआई को लेकर इंडिया में? नहीं, अभी हम पुराने जो लॉज हैं जैसे इंडियन पीनल कोड जी, या रेगुलेटरी जैसे कमेटी, मैंने बताया काफी सारी कमेटीज बन गई हैं कि आपको प्लेटफॉर्म की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इंक्रिप्शन कैसा होना चाहिए आपका, तो ये सारी रेगुलेशंस धीरे धीरे आएंगी। देन पहले तो रेगुलेट करने की कोशिश करती है गवर्नमेंट की, रेगुलेट सेल्फ रेगुलेशन, इंडस्ट्री खुद ही कर ले। जो इतनी सारी एआई की फर्म्स आ गई हैं, आजकल आपकी वीडियो बना देंगी, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बना देंगी, किताब लिख देंगी, तो ये सारा कॉपीराइट एजेंसीज की कब क्या जरूरत है? आपने किताब डाली और उसको रिफ्रेश करके एक नई किताब बन गई, यू नो, तो उसको देख के गवर्नमेंट काफी रेगुलेशंस कर रही है, बट जब जब जैसे जैसे मिसयूज रिपोर्ट होगा, आई एम श्योर फिर एक्शन लिया जाएगा, आई एम श्योर इट विल गो टू कोर्ट, कोर्ट विल हैव इट्स ओन डिसीजंस एंड न्यू लॉ विल इवॉल्व ऑन दिस पर्टिकुलर पॉइंट। ओके सर, भारत की डेटा प्रोटेक्शन लॉ पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2019 एआई ड्रिवन डेटा कलेक्शन और प्रोसेसिंग के कंसर्न्स को कैसे एड्रेस करते हैं? हाँ, तो अब बाय द वे अब ये बिल अब एक्ट हो गया है, तो इट इज नाउ DPDA एक्ट 2023, तो लास्ट ईयर ये पास हो गया था बिल जी। और इस एक्ट के हिसाब से अभी इसके रूल्स आने हैं, रूल्स अभी आई थिंक आफ्टर इलेक्शंस आ जाएंगे रूल्स। तो तीन चार चीजें हैं डेटा कलेक्शन के लिए, तो मैं कहूँगा जो भी डेटा है, बस खासकर दिस लॉ इज रिगार्डिंग पर्सनल डेटा, आपका मेरा पर्सनल डेटा, आपका पर्सनल डेटा, पर्सनल डेटा भी डिफाइन कर रखा है। तो तीन या चार उसके सेक्शन मेन इंग्रेडिएंट्स हैं, आप डेटा कलेक्ट कर, जो आप कलेक्ट कर रहे हो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फेसबुक ने, फेसबुक के कितने सब्सक्राइबर्स हैं? 700 million, 800 million इंडिया में ही है, राइट? इट्स लाइक अ कंट्री इफ यू सी। सो इट इज, फेसबुक इज कलेक्टिंग डेटा, गूगल इज कलेक्टिंग डेटा, गूगल नोज वेयर आई एम गोइंग टू गुड़गांव, इट नोज माई लोकेशन राइट नाउ, ओके, क्योंकि मैंने ऐप खोल रखी है। सो ऑल, सो कलेक्शन ऑफ डेटा, फर्स्ट इज कलेक्शन ऑफ डेटा, आप जब डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, फिर है आप उस डेटा को आप रख कर रहे हैं, किस फॉर्म में रख रहे हैं। अब मेरा दिनेश जोतवानी का डेटा गूगल के पास आ गया, तो वो कहाँ रखा हुआ है डेटा? इंडिया में है, यूरोप में है, कहाँ है, किस फॉर्म में है, लीक हो गया तो क्या होगा? सो ये जो तीन चार चीजें हैं, डेटा कलेक्शन, डेटा प्रिजर्वेशन, क्रॉस बॉर्डर ऑफ डेटा, बाहर जा रहा है कि नहीं जा रहा है डेटा, कुछ डेटा बाहर नहीं जा सकता, हालांकि देयर इज समथिंग कॉल्ड अ डीप वेब एंड डार्क वेब, दोनों, तो इसमें सबका डेटा है, आप यू कैन 100 करोड़ इंडियंस का डेटा आधार लीक हो गया है, तो ये सब अवेलेबल है, बट एट द सेम टाइम रेगुलेशन तो है कि आपका पर्सनल डेटा प्रिजर्व करना है। और चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें यह है कि अगर डेटा लीक हो जाता है तो क्या करना है इन एजेंसीज को, करेक्ट, राइट? तो ये तीन चार पॉइंट्स हैं पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट में। सो जैसे आप अभी वीडियोस और पोर्नोग्राफी और उनकी बात भी कर रहे थे, तो मान लीजिए अगर किसी का वीडियो लीक हो गया, किसी का पर्सनल वीडियो लीक हो गया, तो लीगली कैसे प्रोसीड किया जा सकता है और किन बातों का ख्याल करना चाहिए? आई थिंक सबसे पहले तो जब ये वीडियो बनता है, हर एक का कोई एक, इसको कहते हैं सिग्नेचर्स, एक इनक्रिप्शन सिग्नेचर बनी जाता है उसका, तो आपको सबसे पहले तो प्लेटफॉर्म्स को जहाँ ये वायरल हो रहा है, व्हाट्सएप पे हो रहा है, तो यू शुड पुट इट देयर कि दे विल हेल्प। ऐसी बात जो तो लीक हो गया, किसी ने सेव कर लिया अपने मोबाइल पे, देन इज डैमेजिंग, बट एक वायरल होने से रोकने के लिए आप इनकी मदद ले सकते हैं। मान लीजिए कि आपको हेल्प नहीं मिल रही है, आप कैसे कभी मदद ले सकते हैं, रीच आउट कैसे कर सकते हैं? हाँ, तो ये एक सवाल मुझे भी नहीं पता जी। तो आप, मैंने कोशिश की है फेसबुक को लिखने की, गूगल को लिखने की। Did you get a reward? Well, yes, I got a reward, but मैं तो लॉयर हूँ, मुझे पता है कैसे
रीच आउट करना है उनको, कहाँ रीच आउट करना है, आई एग्जैक्टली नो, मैं रूल्स रेगुलेशन उनकी, पर एक कॉमन आदमी के लिए जिसका वायरल लीक हुआ है वो फेसबुक के पास जाएगा तो फेसबुक का तो कोई कोई फोन नंबर थोड़ा ना होता है, कोई यूट्यूब का कोई कॉल सेंटर नहीं होता, गूगल का कोई कॉल सेंटर नहीं होता, दिस इज ऑल ऑन द नेट. So you should read the regulation and tell this platform that this video is gone viral and report it. You know. So ये एक तरीका है, and of course they will act if the law enforcement agencies tell them to do it. Okay. So you also have to approach the cyber cells. कंप्लेंट करवानी पड़ेगी. हाँ, कंप्लेंट करानी पड़ेगी, नहीं तो वो नहीं सुनेंगे. इनफैक्ट हमारा एक साल पहले कुछ हुआ था एटीएम मशीन्स में, तो वो एक वीडियो वायरल हो गया था जिसमें एटीएम से कैश कैसे निकालते हैं, ये वीडियो एक टेक्नोलॉजी वो वायरल हो गई, तो हमने फेसबुक को कह के, और पहले हमने साइबर सेल में कंप्लेंट किया अपने क्लाइंट के बिहाफ पे, फिर हमने फेसबुक को लिखा, तो उन्होंने वो उसको ब्लॉक कर दिया कंटेंट को. अच्छा, ऐसे हो सकता है? हाँ बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, थोड़ा एफर्ट्स करना पड़ेगा और साइबर सेल को तो आपको इन्फॉर्म करना ही, तो ये प्लेटफॉर्म सुनते कहाँ है, उसके बाद भी सुन ले तो बहुत अच्छा है. जी जी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे केसेस होते होंगे राइट, जहाँ पर हमने सुना है कि लिटरली स्कूल वाले बच्चों के भी वीडियोस डाले जाते हैं, सो इट्स यू हैव टू बी वेरी केयरफुल. एब्सोल्युटली, बट पीपल गेट स्कैर्ड ऑब्वियसली, बहुत कहते हैं ना स्वाभाविक है ये, व्हेन यू गेट टू सी सच वीडियोस, सो उस टाइम पे डर जाते हैं कि क्या एक्शन करना चाहिए, क्योंकि सोसाइटी क्या कहेगी, लोग क्या कहेंगे, वो एक प्रेशर डेवलप हो जाता है आफ्टर वॉचिंग दीज वीडियोस, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू फैमिलीज. करेक्ट करेक्ट, नो आई एग्री, और इस मामले में मेरा एक्सपीरियंस ये रहा है कि दीज प्लेटफॉर्म्स आर गुड एज फार एज द चाइल्ड पोर्नोग्राफी इज कंसर्न. जी, इफ देयर इज अ माइनर इन्वॉल्वड इन अ पोर्नोग्राफी, दे टेक प्रो वेरी प्रो active action. And not only in India, globally. मैंने देखा है Facebook को, Google को, हाँ, they are very strict on this. Very, very strict. Not only content block कर देते हैं, but की report भी कर देते हैं law enforcement. सर, अभी कुछ समय पहले ना एक famous influencer है Elvish यादव, उनके ऊपर स्नेक वेनोम का केस लगा हुआ था, इसके बारे में बताइए क्या है. हाँ हाँ, ये तो you're right, ये रेव पार्टीज होती हैं, और खासकर आई थिंक ये नोएडा के हैं, और नोएडा में काफ़ी रेव पार्टीज वगैरह चलती रहती हैं, तो ये वहाँ पे एक स्नेक वेनम होता है जो आपको हाई कर देता है बेसिकली. इट इज़ डेंजरस ऑल्सो, एंड आप देखिएगा इसमें काफ़ी सारा कंटेंट नॉलेज मेनका गांधी की भी है कि ये क्यों, हाउ इट हार्म, इट एक्चुअली किल्स द स्नेक ऑल्सो. तो इनके ऊपर ये एलिगेशन है कि इन्होंने, अब ये तो ट्रायल का मामला है, अभी बेल नहीं मिला है बाद में इनको, अभी भी एनडी, क्योंकि इनके ऊपर एनडीपीएस भी लगा दिया. पर्सनली स्पीकिंग आई डोंट एग्री कि इस पे, इट्स नॉट अ नार्कोटिक एंड ड्रग रिलेटेड ऑफेंस, ये एक स्नेक का पॉइजन लेके उसको मिक्स करते हैं कोई सॉल्यूशन में, एंड देन यू हैव इट, इट मेक्स यू रियली हाई, एंड इट हैज़ अ, इट्स वेरी चीप ऑल्सो, एंड इट लास्ट ऑल्सो लॉन्ग, इट गिव्स यू हाई. सो ये रेव पार्टीज जितनी भी होती हैं उसमें काफ़ी यंगस्टर्स को देते हैं ये, जो अफोर्ड नहीं कर पाते, जो एक्चुअली ड्रग्स वगैरह जो होते हैं, तो इसमें ये फंस गए. अभी बेल मिला नहीं है, तो मैं, और एक्चुअली हाँ, मैंने इनका देखा भी था थोड़ा बेल एप्लीकेशन, उसमें भी उसमें जनरल बातें लिखी थी कि यंग है ये वो, उसमें कुछ ये डिफेंस, उनका डिफेंस सामने आया नहीं कि एग्जैक्टली कि वो क्या कहना चाहते हैं. बस वो बेल अप्लाई करेंगे, जैसे होता है क्रिमिनल में अरेस्ट हो गए इनके, हाँ दो और साथी हैं, मैं नाम भूल गया, उनको भी पुलिस ढूंढ रही है जी, पर पकड़े नहीं गए अभी तक. नहीं, अभी नहीं पकड़े गए, बट वो बेल अप्लाई करेंगे, फिर सेशन में करेंगे, फिर अलाहाबाद हाई कोर्ट जाएगा केस, वो तो खैर लीगल अपना केस चलता रहेगा. जी सर, हमारे रिसर्च के दौरान ये पता चला दैट देयर इज अ एक्ट, द गैम्बलिंग एक्ट ऑफ 1867, ये एग्जैक्टली क्या है और क्या आज भी ये एक्ट रिलेवेंट है?
हाँ रेलेवेंट तो है, ये बहुत पुराना अंग्रेजों के जमाने का एक्ट है, आप देख ही रहे होंगे, और उन्होंने बहुत सारी कंट्रीज में ये एक्ट, इनफैक्ट आप देखेंगे बहुत सारे लॉज है, इंडियन पिनल कोड 1860, अब खैर बदलने वाला है, 1860 का चल रहा है, एविडेंस एक्ट चल रहा है, इतने पुराने चेंज हुए होंगे राइट? हाँ अभी हो जाएंगे, फ्रॉम 1st जुलाई नोटिफिकेशन आ जाएगा, बट या ये अभी भी एप्लीकेबल है, बेसिकली ये प्रोहिबिट करता है कि आप पब्लिक प्लेस में गैम्बल करो, बट गुड थिंग अबाउट दिस लॉ इज कि आप पब्लिक प्लेस पे गैम्बल नहीं कर सकते, दैट्स ट्रू, बट अगर आप घर पे बैठ के गैम्बल कर रहे हो तो आपका घर भी पब्लिक प्लेस माना जाएगा, तो एक इसमें ऐसा प्रोविजन है, बट आई थिंक इट इज लोग सीरियसली इस लॉ को लेते नहीं क्योंकि बेलेबल ऑफेंस है, आपको बेल मिल जाएगी। ओके तो आपने देखा होगा कई मतलब घरों में आपके सिम कार्ड पकड़े जाते हैं, इतने सारे लोग बैठे होते हैं, तो वो इस एक्ट के अंदर उनको अरेस्ट करते हैं बेसिकली, बिकॉज योर प्राइवेट हाउस इज आल्सो देन कंसीडर्ड टू बी अ पब्लिक प्लेस बिकॉज यू आर डूइंग अ गैम्बलिंग फ्रॉम देयर। जी जी सर, ये बताइए कि भारत में किस तरह की बेटिंग होती है ज्यादातर? क्रिकेट पे होती है? आपने किया है? नहीं, सुना है। अच्छा तो so my family is from Indore. Okay. तो हमने ये देखा है कि वहाँ बहुत ज़्यादा मैंने देखा है, and it was something new for me जब मैंने ये देखा था कि we have our shops in Sarafa Bazaar. तो तब पता चला कि सराफा बाजार में तो बहुत ज्यादा सट्टा होता है, कि बारिश होगी या नहीं इस पर भी सट्टा होता है। अभी इलेक्शंस पे लगा हुआ है। हाँ, बट एज फार एज बेटिंग एप्स आर कंसर्न्ड, काफी एडिक्टिव होती हैं, बहुत एडिक्टिव होती हैं। मैंने भी नहीं की, पर मेरे ऑफिस में कुछ जूनियर्स हैं, उनको करते हैं। तो मैं उनसे सीखता हूँ, छोटे हैं एज के, बट मैं सीखता रहता हूँ कैसे करते हैं। जो आपको एडिक्शन हो गई तो आप नहीं छोड़ सकते, और इनका पैसे लेने देने का सिस्टम भी कैश में है, कोई आएगा आपको कैश में 5,000 रुपये आपके ऑफिस से ले जाएगा, फिर आप जीत गए तो 7,000 रुपये दे देगा। अच्छा। और ये पूरे गांव-गांव में बहुत एडिक्टिव है, तभी इलीगल है, एक्चुअली इट इज इट शुड बी बैंड, बट अब वही है टेक्नोलॉजी, लॉ जब तक कैच करे टेक्नोलॉजी। जी 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 सर, लेकिन हमारे लीगल सिस्टम में कोई ऐसे लूप होल्स भी होंगे राइट, जिनका यूज ये बेटिंग एप्स करते हैं, कंपनी अपना मार्केट में लॉन्च करने, यू नो, जिस वजह से कंपनी मार्केट में लॉन्च करती है? हाँ, टू बी ऑनेस्ट, ये तीन चार तरीके की होती हैं। एक तो स्किल बेस्ड गेम्स होती हैं, जैसे चेस हो गई, आप ऑनलाइन खेल, इट्स अ गेम, आप ऑनलाइन खेल सकते हो किसी के साथ। एक हो गई चांस बेस्ड, जैसे आपकी बेटिंग हो गई, आपकी चांस बेस्ड हो गई। एक हो गई फैंटेसी गेम्स, अब वो फैंटेसी गेम्स सुप्रीम कोर्ट ने काफी जजमेंट्स हैं इस पॉइंट पे कि ये फैंटेसी गेम्स कौन सी होती है सर? ड्रीम इलेवन सुना है आपने नाम? हाँ, ड्रीम इलेवन पे भी तो लोग खेलते हैं ना, इट इज लीगल। हाँ, तो उसकी तो एड्स भी चलती है, उनकी एड भी, इससे लीगल है, वो बैंक में पैसा मंगवाते हैं अपने। जो जहाँ तक पब्लिक में अराउंड 50-55 ऐसी ऐप्स चल रही हैं इंडिया में, अभी भी चल रही हैं, चाहे वो रम्मी हो, तीन पत्ती हो, उनकी एडवर्टाइजमेंट में जाता हूँ जब सुप्रीम कोर्ट की तरफ डिफेंस कॉलोनी से होके, इतने बड़े बड़े होर्डिंग लगे रहते हैं, तो अब तीन पत्ती के, अब वो तीन पत्ती इज आई थिंक इट इज लक बेस्ड, नॉट करेक्ट, इट्स नॉट स्किल बेस्ड। So how you make the rules, again इसमें वकील लोग आ जाते हैं, हर जगह पे आ जाते हैं, मैं कहता हूँ कि how they make the rules of the game that it turns from skill to from chance to skill to fantasy games. So fantasy में आप अपनी टीम बना सकते हैं, आपने देखा ही होगा IPL में आप अपनी टीम बना लीजिए, but at the same time वो टीम कैसे follow करती है, वो ball by ball जो actual चल रहा होता है। Right, so ye, so now it is called fantasy games. Okay. And the government is trying to regulate it, regulate these apps. Abhi GST kar diya is pe, tum GST kaafi high kar diya, wo case abhi Supreme Court mein pending hai. 28% GST, 28% GST jab aapke paisa aayega aur 28% jab jayega, to it is
नॉट वायबल अंटिल एंड अनलेस आप सट्टा कर रहे हो जी, जैसे आपके इंदौर में करते हैं तो वैसे करो जी सर आपने जैसे अभी बताया कि रेगुलेट कर रहे हैं बट व्हाट आर द बिगेस्ट चैलेंजेस जो गवर्नमेंट फेस कर रही है इन बेटिंग एप्स को रेगुलेट करने में क्योंकि करोड़ों का सट्टा होता है आईपीएल के मैच में 50-50 सो आई थिंक द बिगेस्ट चैलेंज इज कि इंडिया में है ही नहीं बाहर से हैं ये सारी ऐप बाहर की हैं जी ये वेबसाइट एक चल रही है आपकी बाहर से चल रही है या इंडिया से चल रही है आपको क्या पता पता ही नहीं चलेगा सबसे बड़ा तो ये है कि इंडियन गवर्नमेंट को इंडियन ईडी को या इंडियन एनफोर्समेंट को जी ये एप्स बाहर से चल रही हैं दूसरा प्रॉब्लम ये है कि आपने आपने ऐप देखी है कोई बेटिंग की मैंने देखी है तो मैं बता सकता हूँ उसमें बड़ा मिक्स एंड मैच होता है कुछ फैंटेसी हो गई कुछ चांस वाली हो गई कुछ स्किल बेस्ड हो गई तो अब एक ऐप में हर किस्म की है कुछ इलीगल हैं कुछ लीगल हैं कुछ फैंटेसी गेम्स हैं तो बेचारे इनको पता कैसे लगेगा कि अगर लेजिटिमेट पैसा भी आ रहा है तो और उस पर टैक्स भी जा रहा है तो दे कांट नो कि ये चांस बेस्ड है या ये बेटिंग है तो आई थिंक दिस इज अ सेकंड चैलेंज विच द रेगुलेटर्स विल फेस हाउ डू दे इफ अ वेबसाइट हैज फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज आउटसाइड इंडिया सेकेंडली इट हैज गेम्स जो फैंटेसी गेम्स हैं या फैंटेसीज आर लीगल गेम बाय द वे या इलीगल है वो डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएंगे तो ये आई थिंक दो मेजर चैलेंज हैं इनको रेगुलेट करने के लिए सर पर इंटरनेशनली इसका सिनेरियो क्या है ये इंडस्ट्री का टेक्नोलॉजी इरा में जब आपने बताया कि पता ही नहीं है कि कहाँ पर बैठे हैं इंडिया में बैठे हैं ये लोग चलाने वाले या बाहर बैठे हैं क्योंकि हेड ऑफिस का प्रेजेंस अगर कंट्री में है विच allows them a betting and a legal you know system through their betting apps website so is they can treat world as a market something like crypto correct which has no presence in India lekin which is illegal in India but still many people are in you know they have invested their money into it right हाँ तो कुछ एप्स ऐसे तो हाँ ये तीसरा चैलेंज है विच आई शुड हैव पॉइंटेड आउट क्रिप्टो तो ये जो करेंसीज जा रही हैं इंडियन बैंकिंग सिस्टम में है ही नहीं आप क्रिप्टो में खेल रहे हो आप क्रिप्टो में पैसे आ रहे हैं क्रिप्टो में आप गेम खेल रहे हो क्रिप्टो में आप अवार्ड दे रहे हो तो जब इंडियन बैंकिंग सिस्टम है ही नहीं बीच में ना आपका पेमेंट गेटवे है ना कोई बैंक है बीच में ना क्रेडिट कार्ड है बीच में ना यूपीआई है आप क्रिप्टो में डील कर रहे हो तो ये भी तो चैलेंज हो गया ना और क्रिप्टो में डील कर रहे हो तो आप चाहे इंडिया में दो चाहे आप कहीं भी दो क्रिप्टो करेंसीज और ग्लोबल करेंसीज तो ये एक चैलेंज तो है ये तो मैं मानता हूँ ये चैलेंज है आई थिंक इसका सॉल्यूशन यही है कि गवर्नमेंट को रेगुलेट करना चाहिए आपको पता है ना प्रोस्टिट्यूशन इज इलीगल इन इंडिया कुछ कहीं जाओ प्रोस्टिट्यूशन इज लीगल तो लीगल कर दिया रेगुलेट कर दिया उसको तो मे बी इट इज बेटर एटलीस्ट दैट वुमेन गेट्स यू कैन पे अ प्रोस्टिट्यूट बाय क्रेडिट कार्ड और यू कैन कई कंट्रीज की इकोनॉमी उस पर चलती है करेक्ट सो थाईलैंड मे बी यू नो सो अगर आप कंट्रोल नहीं कर सकते तो कम से कम रेगुलेट कर लीजिए आप क्रिप्टो में कोई ऐप से खेल रहा है जो इंडिया के बाहर है हाउ विल इंडियन गवर्नमेंट कंट्रोल इट सो आई थिंक अगर इसको लीगल हाँ रेगुलेट कर लें लीगल कर लें रेगुलेट कर लें टैक्स लगा दें इसके ऊपर आप क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हो उन गेम्स के लिए पर बीच में ऐसा कुछ आया भी था ना कि कैसीनोज के अमाउंट पर जो खेला जाएगा उस पे टैक्स लगेगा करेक्ट वही अभी सुप्रीम कोर्ट में है जो मैं कह रहा था ऑनलाइन गेम्स पे GST 28% कर दिया देयर वाज अ लॉट ऑफ ह्यू एंड क्राई इन द इंडस्ट्री गेमिंग इंडस्ट्री तो वो देन सेवरल दिस देयर वाज अ PIL फाइल इन सेवरल कोर्ट्स तो सुप्रीम कोर्ट ने कंसोलिडेट करके एंड दे सेड कि दे विल हियर दिस वो पेंडिंग है
I'm sure there's lot of things are waiting because of the elections. After that, election के बाद हो जाएगा. हाँ, के बाद ये भी decide हो जाएगा. जी, so difference क्या है licensed और regulated betting apps में, और ये जो unlicensed और unregulated betting apps है, इनके बीच का difference अगर आप बता सके, normal games, fantasy sports जैसे आपने बताया और betting apps में. जी, इंडिया में लाइसेंस तो नहीं है गेम्स का, एक्सेप्ट थ्री स्टेट्स जो लाइसेंस देती है आपको. तो आप गोवा में देखेंगे तो गोवा में आपको लाइसेंस मिल सकता है. आप गुवाहाटी इधर देखेंगे, असम में देखेंगे, मणिपुर में देखेंगे, आपको लाइसेंस मिल सकता है. तो वो लाइसेंस हम मान सकते हैं कि वो है. अदरवाइज ऐसा कोई गवर्नमेंट, दिल्ली में कोई लाइसेंस नहीं मिलेगा आपको, आपको बाहर जाना पड़ेगा. ये तीन चार स्टेट्स हैं. इवन लॉटरी इज लाइसेंस देयर. तो मैं तो कहूँगा जो ये ऐप्स चल रही हैं दे आर नॉन लाइसेंस, बिकॉज ये तो सब बाहर से बाहर से ही चल रही हैं. हाँ, इफ दे आर रेगुलेटेड इन इंडिया, दे क्योंकि इंडियन लोग पैसा लगा रहे हैं इस ऐप में, तो दे हैव टू बी रेगुलेटेड बाय इंडियन लॉ. क्योंकि एडिक्टिव है, वेरी एडिक्टिव, वेरी एडिक्टिव. इट्स लाइक यू आर हैविंग अल्कोहल, राइट? यू ड्रिंक एंड यू एंजॉय, सेम है. पर एक और रूल है आप बैटिंग में या गेम्स में, आप कभी जीत के नहीं जा सकते, आप हमेशा हारोगे. हमेशा नहीं, हमेशा मीन्स एग्रीगेट. हो सकता है बिगनर लक आपके काम कर जाए, बट अल्टीमेटली आप हार के ही उठोगे. बाय द वे, आई प्लेड इन वेगास आल्सो, तो उधर भी ऐसे ही होता है कि आप पहले पहले कैसे पता नहीं, मशीन को पता लग जाता है, आप जीत जाते हो फिर, लेकिन आप हार के ही उठोगे. बट आई नो अ लॉट ऑफ पीपल जो काफी पैसा कमा करते हैं कैसीनोज. हां, आई डोंट नो हाउ दे डू इट. या देयर इज सम यू नो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन दैट दे डू व्हेन दे प्ले दीस गेम्स, कि दिमाग में कैलकुलेशन चलती रहती है. जो आज आपने दो टॉपिक किए, हो सकता है उनका मर्जर हो जाए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड गेमिंग का, जिसमें वो आपकी एल्गोरिथम आ जाए जो गेमिंग में आपको प्रॉफिट कर दे. जी सर, राइट? जी दिनेश जी, आपने अभी बताया कि अल्कोहल से ज्यादा एडिक्टिव बेटिंग एप्स वगैरह होते हैं. तो हम जैसे जानते हैं कि लीगली अल्कोहल के एडवर्टाइजमेंट पे भी जैसे रिस्ट्रिक्शंस हैं, राइट? कि नहीं की जा सकती है ये अल्कोहल बेस्ड एड्स, सोसाइटी पे गलत इम्प्रेशन पड़ता है और नेगेटिव इफेक्ट होता है इसलिए. लेकिन बेटिंग एप्स और यू नो सट्टे के बारे में लीगल एस्पेक्ट क्या है, सिनेरियो क्या है? क्योंकि बेटिंग एप्स और ये जो गेम्स हैं तो और ज़्यादा एडिक्टिव है. नहीं, आपने ठीक कहा. जैसे मैंने पहले कहा था कि दो तीन स्ट्रेटजीज ये एडवर्टाइज करने के लिए यूज करते हैं. एक तो स्ट्रेटजीज बताइए पहले. हाँ, स्ट्रेटजी सरोगेट एड, जैसे लिकर में भी सरोगेट एड्स होती हैं, राइट? तो आपको आपके सेम ब्रांड, जैसे महादेव है, मैं नाम नहीं लूंगा और एप्स का, तो महादेव है, वो आपको हो सकता है महादेव आटा बेच रहा हो या महादेव मिनरल वाटर बेच रहा हो. प्लेयर्स की टी शर्ट पे लिखा होगा महादेव, महादेव मिनरल वाटर. तो दीज आर सरोगेट एड्स, जैसे लिकर के आती है, किंग फिशर की आपकी मिनरल वाटर भी आती है. जी. वैसे ये एंड दे हैव लॉट ऑफ मनी, आपको पता ही है, 50,000-60,000 crore रुपए एक IPL में लोग सट्टे पे लगाते हैं. तो दे हैव लॉट ऑफ मनी, तो दे कैन एडवर्टाइज लाइक एनीथिंग. जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उससे ज़्यादा ये बेटिंग एप्स एडवर्टाइज कर सकती हैं. बट वो सरोगेट स्ट्रेटजी इनकी यही रहती है, सरोगेट एड करते रहो. किसी ने अपनी पब्लिकेशन खोल दी, महादेव पब्लिकेशंस, बट एट द सेम टाइम आपको बेटिंग, जब आप क्लिक करोगे तो आपको बेटिंग ऐप बेटिंग साइट पर ले जाएगा वो. तो ये एक डिफरेंट स्ट्रेटजी रहती है. दूसरा, जैसे मैंने कहा, वो मिक्स एंड मैच भी करते हैं. यू नो 50% ऑफ द गेम्स ऑन द प्लेटफॉर्म वो लीगल हैं, 50%
नॉन लीगल हैं, आप कैसे करोगे? आप आई मीन आईपीआर लॉयर, मुझे पता है लोग काउंटरफिटिंग कैसे करते हैं बिस्लरी के, मान लो बिस्लरी की बॉटल लो, 50% जेन्युइन लेंगे, 50% फेक लेंगे और प्रॉफिट करेंगे. वैसे ही ये लोग कर रहे हैं. इट्स अ काइंड ऑफ अ पायरेसी, इट्स काइंड ऑफ अ काउंटरफिटिंग. वेयर पैसा है इसमें? हाँ, बहुत पैसा है. गवर्नमेंट को लग रहा है लीगल गेम चल रही है, बट वहाँ पे आपकी बेटिंग भी हो रही है साथ में. आपकी एडवर्टाइजमेंट प्लेयर्स के टी शर्ट पे है, इनकी ड्रीम इलेवन की और सबकी. आप देखेंगे दे हैव लॉट ऑफ मनी. करेक्ट. तो दे यूज डिफरेंट स्ट्रेटजीज इन द मार्केट. वो हमसे ज्यादा स्मार्ट है. हम लॉयर से ज्यादा स्मार्ट लगते हैं लोग. एक चीज ये भी है कि मैं कहना नहीं चाहूंगा, बट दे है they use legal system also. Yeah. You know? It's called strawman litigation. ऐसे ही एक PIL फाइल कर देंगे जो अपने फेवर में दूसरी तरफ को खड़ा कर देंगे, और they try to get good orders from the court, और फिर वो अपने मतलब पैसा भी दिया जाता है under the table. नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ. These are legal strategies. Okay, there is nothing illegal in it, but they And I'm not talking of India necessarily. Okay. India के बाहर भी ये companies ऐसे ही काम करती हैं कि इनके पास पैसा बहुत होता है और ये they manipulate the legal system completely. They manipulate the legal system. Mm. They manipulate the media. They manipulate the players, games. So they become legal. सब किस तरह की betting India में legal है? अगर आप you know if you want to throw some light. मैं आप दो तीन जजमेंट्स डिस्कस करना चाहूंगा. इंडियन सुप्रीम कोर्ट की हैं वो जजमेंट्स. अभी मुझे नाम नहीं याद आ रहा केस का एग्जैक्टली, बट आई कैन शेयर दो तीन जजमेंट. एक तो है कि अभी लास्ट आई थिंक वन ईयर और वन एंड हाफ ईयर्स बैक कोई सुप्रीम कोर्ट गए थे कि फैंटेसी गेम को इंजंक्शन लेने गए थे, स्टे लेने गए थे कि फैंटेसी गेम्स को बंद कर दो. तो वो उन्होंने भी PIL डाली थी, नाम नहीं याद आ रहा, आदित्य अखिलेश का केस था. तो सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया, कहा कि फैंटेसी गेम्स आर अलाउड, क्योंकि फैंटेसी गेम्स स्किल बेस्ड हैं. तो रीजनिंग ऑफ सुप्रीम कोर्ट, विच आई एग्री, कम्प्लीटली एग्री विद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, कि फैंटेसी गेम्स में आपको अपनी टीम बनानी है, आपको सोचना है कि ये प्लेयर किस बॉल आई तो कैसे खेलेगा, ये स्ट्रॉन्ग प्लेयर है, ये नहीं है, बारिश आ सकती है. तो देयर इज एन एलिमेंट ऑफ लक, बट देयर इज आल्सो डोमिनेंट फैक्टर. क्या है? इज लक द डोमिनेंट फैक्टर और द स्किल्स द डोमिनेंट फैक्टर? सो स्किल को ज्यादा. हाँ, मैं एक और जजमेंट की बात करता हूँ. एंड अगेन मेरे को अभी नाम नहीं याद आ रहा है, बट मैं शेयर करूंगा आपसे. हॉर्स रेसिंग इज लीगल. हॉर्स रेसिंग इज लीगल? हाँ. कि कौन सा घोड़ा जीतेगा, आपको पता होनी चाहिए. घोड़े की नस क्या है, उम्र क्या है, पहले क्या बैकग्राउंड है, क्या खाता है, तब आप डिसाइड करते हो इस घोड़े पे पैसा लगाते हो. करेक्ट. वेर एवर देर इज स्किल्स इन्वॉल्व, नॉलेज इन्वॉल्व, your expertise required, your experience required, तो वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बोला. रम्मी, आई रिमेम्बर देयर इज केस ऑन रम्मी ऑल्सो. रम्मी आप कहोगे, रम्मी तो वैसे खेल, रम्मी की एड भी बहुत आती है, आपने देखा है? आप दिल्ली के नहीं हो, आप देखना, इधर आती है आजकल उबर की टैक्सी पे भी बड़ी बड़ी एड आती है इनकी. तो वो भी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, मैं शेयर करूंगा, ऐसा कुछ नहीं है. आई विल शेयर दीज जजमेंट्स विद यू. So they have lot of strategies and there is, it's a borderline. At the end of the day, Rummy is both skill based, yeah, luck based as well as skill based. You know, आप कैसे पत्ता फेंकते हो, नहीं फेंकते, decide करते हो, that is skill based. तो एक US court की judgment है जो कहती है कि आपको देखना है कि dominant factor क्या है. जी. Is the luck dominant factor या skills? जी. So surely, I mean, there is a lot of gray area in this to make a thing legal or illegal. But good thing about this government is, कम से कम tax तो कर दो. So tax लगा दिया उन्होंने. So AI का इंडिया में future क्या है? Great potential. Great potential. Legal perspective से. Great potential. Initially, मेरे हिसाब से, these are my personal thoughts. बहुत सारी जॉब्स जाएंगी.
एआई की वजह से चली जाएगी। हाँ, मैं आईटी में तो जा ही रही हैं, बट मैं लीगल उसमें भी कह रहा हूँ, लीगल फील्ड में भी कह रहा हूँ। मैं अपनी लॉ फर्म में एआई यूज करता हूँ। मैंने सबको इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि आप एआई यूज कीजिए। आपको कॉन्ट्रैक्ट बनाना हो, आपको रिफ्रेश करना हो सेंटेंस, आपको कोई इंफॉर्मेशन चाहिए, रिसर्च करनी हो, आप AI, अगर आपको AI नहीं आता तो आपकी एफिशिएंसी कम हो जाएगी। करेक्ट। ओके। और जो ट्रेडिशनल वे ऑफ वर्किंग इन लॉ, आर्ग्यूमेंट करना है आपको कोर्ट में जाके, आपकी फेस वैल्यू क्या है कोर्ट में, ये तो चीजें रहेंगी, लेकिन जो 80-90% ऑफ जो काम होता है ट्रांसलेशंस का काम, आपको तमिल लैंग्वेज में आ रहा है, ट्रांसलेशन में कितना टाइम जाता है? आप, मैं लॉयर हूँ, मुझे पता है, मैं सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ, ऑल ओवर इंडिया से केसेस आते हैं, तो वो महीना तो यही लग जाता है हमारे को भी ट्रांसलेट कराओ, वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में जाओ, पहले टाइपिस्ट के साथ बैठो, तो टाइपिस्ट कहेगा अच्छा अभी क्लियर नहीं है, आप दोबारा आना, फिर उधर क्लाइंट को कोऑर्डिनेट करो, एक महीना हमें ट्रांसलेशंस में लग जाता है। नाउ देयर इज अ सॉफ्टवेयर, मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि उनकी एडवर्टाइजमेंट हो जाएगी, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर, वी यूज दैट, और विद इन फ्यू मिनट्स आपके पास 50 पेज ट्रांसलेटेड हैं, दे आर ऑलमोस्ट एक्यूरेट, कभी इधर उधर, इंक्लूडिंग फॉर्मेटिंग भी ठीक हो जाती है उनसे। तो आप देखिए कितने लोग जो ट्रांसलेशन सुप्रीम कोर्ट पटियाला हाउस 30,000 में बैठे हैं, जो लोग कर रहे हैं, उनका क्या होगा? एंड दे आर चीपर ऑल्सो, जो यहाँ पर पेज लेते हैं या पर वर्ड लेते हैं ट्रांसलेट करने का। तो बट कंप्यूटर्स में भी ऐसे हुआ था, पहले जॉब्स गई थी फिर आ गई, क्योंकि लोगों ने कंप्यूटर में अपने को सीख लिया था। तो तभी मैं अपने जूनियर्स लॉयर्स को कहता हूँ, सबको कहता हूँ ऑफिस में, आप सीखो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मैं खुद सीखा, आई हैव डन क्लासेस इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड आई हैव यूज्ड इट आल्सो इन अ कॉन्ट्रैक्ट। तो मुझे पता है कि इसके फायदे हैं, एंड लीगल फील्ड में खासकर इसकी बहुत इम्प्लीकेशंस होंगी। पहले जॉब्स जाएंगी ऑफकोर्स, जो लोग अपग्रेड नहीं हुए हैं उनकी जॉब जाएंगी। तो आपको अपग्रेडेड रहना जरूरी है, बहुत जरूरी है। पता नहीं मैं हो पाऊंगा कि नहीं, मेरे को तो थोड़ा बहुत आता है, बट आपको फाइनली बिकॉज इट इंक्रीजेज योर एफिशिएंसी, यंगर जनरेशन विल बी एबल टू हैंडल इट मच मोर बेटर। करेक्ट करेक्ट। सो वी हैव कम टू एंड ऑफ आवर डिस्कशन, बट जाते जाते एक सवाल हम बेटिंग ऐप और कैसीनो के लिए लेते हैं, दैट देयर इज अ कॉमन अंडरस्टैंडिंग अबाउट कैसीनोज कि कैसीनोज आर ओनली अलाउड यू नो नियर द रिवर या ऑफ शोर आप कह लीजिए, जैसे गोवा में है, करेक्ट, बट नाउ पीपल आर सीइंग ऑन शोर कैसीनोज ऑल्सो, तो वाई कांट सम कंपनीज पुट अप यू नो कैसीनोज इन मुंबई हाई बोल दीजिए या बैंगलोर जैसे 5-star होटल्स हैं, वहाँ नहीं कर सकते? नहीं, वहाँ कैसीनोज आर टाइप ऑफ betting only at the end of the day. It's a game based on luck or based on chance. तो ये उन states में allow नहीं है, licensed ही नहीं है। दो तीन states मैंने बताया, उन्हीं में ही licensed है। आप ये कर सकते हैं कि आप offshore जैसे sea में आप खेल सकते हैं, क्योंकि आपने ही वो बताया था Public Gambling Act जो आप बता रहे थे। It talks about the land. It talks about land. तो लोग अगर बाहर gamble कर रहे हैं आपकी you know उसमें cruise में कर रहे हैं, अभी आपने देखा भी cruise वाला case, तो अगर cruise में वो gambling कर रहे हैं, you are not on the land, तो कम से कम वो act तो आप पे नहीं लगेगा, वो section तो नहीं लगेगा, तो लोग बाहर जाके, हालांकि वो section भी bailable offense है, मैंने आपको बताया, it's not that strong. तो आप 5-stars में बिकॉज ऑफ द बेंगलोर में 5-star में या मुंबई 5-star में आप नहीं कर पाएंगे एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, आप कैसीनो नहीं खोल सकते। हाँ, अगर रेगुलेशंस चेंज होती हैं, तो सिर्फ रेगुलेशन की वजह से, राइट, बट अगर लाइसेंस मिलने शुरू हो जाते हैं देन, हाँ, बट अभी तो तीन स्टेट में ही लाइसेंस मिल रहा है, चाहे लॉटरी का हो, चाहे गैम्बलिंग का हो, चाहे बेटिंग का हो, चाहे ऑनलाइन गेम, अभी तीन स्टेट ही दे रही हैं आपको, बॉम्बे नहीं, महाराष्ट्र में आपको तीन ही स्टेट्स, क्यों तीन से ज्यादा क्यों नहीं? आई मीन मे बी आई डोंट नो द रीजन, बट वो दे सकती हैं, इट्स अ स्टेट सब्जेक्ट। ये आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहता है कि जो गेम्स हैं
रेगुलेशन ऑफ गेम्स है, इंक्लूडिंग ऑनलाइन गेम्स जो हैं, इट्स अ स्टेट, एवरी स्टेट हैज टू डिसाइड. तो कुछ लोग, कुछ स्टेट्स वाइजली डिसाइड करती हैं, जैसे आपने कहा इंदौर, मध्य प्रदेश में अगर कर दिया इसको लीगल लाइसेंस गेम्स देनी शुरू कर दी, तो सारे घर घर में यहाँ लोगों को आदत पड़ जाएगी करने की. अब कुछ स्टेट ऐसी हैं जैसे गोवा है, वो तो इट्स अ इंटरनेशनल टूरिस्ट डेस्टिनेशन, दे वांट पीपल टू एंजॉय एंड स्पेंड टाइम, तो मे बी दे हैव इट इन सम, मुंबई कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं, मुंबई एंड बैंगलोर वेयर देयर आर लॉट ऑफ इंटरनेशनल टूरिस्ट दैट कम, दे शुड, आई मीन आई एम personally think they should do it to support tourism and all. But ek state ko bahut sari there are political ramification. Ab sara din game khelte rahenge aadmi log, to it creates social unrest also. तो गवर्नमेंट को दोनों, अब कई स्टेट्स में लेकर बैन है, इसी वजह से बैन कर दिया है, क्यों, बहुत एडिक्टिव है ये सारी चीजें, बहुत एडिक्टिव है, आपका पूरा टाइम चला जाता है और देयर इज नो प्रोडक्टिविटी एट द एंड ऑफ द डे. तो ये सारी स्टेट्स ने डिसाइड किया कि नहीं, हम इनको लीगल लाइसेंस नहीं देंगे. ओनली थ्री स्टेट जो पुरानी चली आ रही हैं, जहां लॉटरी भी थी, सिक्किम लॉटरी आपने सुना होगा, ऐसी ऐसी स्टेट्स में लोटो गेम्स एंड ऑल, हाँ वो उधर लाइसेंस है, बाकी जगह लाइसेंस उन स्टेट्स के ऊपर है, सेंट्रल डिसाइड नहीं कर सकता, स्टेट ने कोई इनिशिएटिव लिया नहीं अभी तक. बट डू यू सी दिस हैपनिंग इन फ्यूचर? हाँ, जैसे मेरे ख्याल से जैसे जैसे ये हमारे टूरिज्म बढ़ेगा, वैसे यू नो आपको करना ही पड़ेगा. अब लोग वर्ल्ड ओवर से वेगास, लास वेगास में खेल नहीं जाते हैं, कितना टूरिज्म वहाँ का बढ़ा, कितना रेवेन्यू बढ़ा हुआ है वहाँ का, कैसीनो की ऊपर चल रही है. हाँ, ये पूरी मतलब वो इकोनॉमी पूरी स्टेट की उस पर उससे चलती है. तो आप इंडिया में भी अगर वी हैव टू कम्पीट ग्लोबली, आपको अगर पूरा स्टेट में नहीं तो आपको सम टूरिस्ट स्पॉट्स पे यू शुड परमिट. अभी जैसे सी में, क्रूज में आप खेल सकते हो कैसिनो, लेकिन आप फाइव स्टार होटल में कैसिनो नहीं कर सकते. तो यू दे विल हैव टू आइडेंटिफाई सम स्टॉप स्पॉट्स वेयर यू कैन एक्चुअली प्ले द गेम. बट दैट्स अगेन अ पॉलिटिकल क्वेश्चन, एंड मोर देन पॉलिटिकल क्वेश्चन इस सोशल क्वेश्चन आल्सो, कम्युनिटी नीड्स टू डिसाइड कि हम करना है कि नहीं करना. जी, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू फॉर शेयरिंग दिस इंसाइटफुल नॉलेज, क्योंकि ज़रूरी था कहीं ना कहीं बेटिंग ऐप्स को लेकर बात करना और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर बात करना और ये इन्फॉर्मेशन लोगों तक हम पहुँचाएँ, ये इंटेंशन था और ये फोकस था. एंड हैविंग यू वॉज वन ऑफ द बेस्ट डिसीजंस, बिकॉज द नॉलेज यू शेयर्ड वॉज अमेजिंग. So thank you again, sir. And to the audience, I would like to say that jo bhi aapke questions hai related to betting apps, please do let us know in comments. If you need to consult Dinesh Jotwani ji, sir, unka humne sara description mein details diya hua hai, his handles also, you can get in touch with him to any legal related cases, and the team is there to happily help you. So thank you again, until next time, dekhte rahiye the Ravya Sada podcast.